नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। आपके साथ मैं हूं नितिशा। नैनीताल में यातायात नियमों को तोड़ने पर लोगों को अपनी जेब को ढीला करना पड़ा। यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे मोटरसाइकिल सवारों का 1,000 रुपयों का चालान भी किया गया। आपको बता दें कि शहर के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान तकरीबन 40 चालान कर 34,500 रुपए वसूले गए। वहीं नैनीताल में डबल सवारी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी 1,000 रुपए का चालान भुगतान करना पड़ा, क्योंकि दूसरे पुलिसकर्मी ने हेलमेट नहीं पहना था। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे मोटरसाइकिल सवारों का पुलिस ने 1,000 रुपए का चालान भी किया। वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने पर चालान भरने वाले लोगों का कहना है कि हमें यातायात नियमों के तहत हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, जो हमारे लिए ही फायदेमंद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चालान हमारे लिए सबक है। केंद्र सरकार का यह जो निर्णय है स्वागत योग्य है, क्योंकि लगातार देश में मेरे हिसाब से करीब पूरे अगर ऑल ओवर पूरे भारत की तो कम से कम 2,500 लोगों की जान सिर्फ बिना हेलमेट के होने के कारण होती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उससे हेलमेट पहनने से हमारी ही सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा है, क्योंकि अगर स्वयं आदमी रहेगा तो परिवार का पालन पोषण भी करेगा, अगर आदमी ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा। तो केंद्र सरकार ने वाकई में उसका जो निर्णय है स्वागत योग्य है। और जो राशि जो थी, अगर लोगों को विरोध चल रहा था कि राशि को बिल्कुल दुगुना कर दिया गया, तो राज्य सरकार ने उसको राशि को भी लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने राज्य एक्ट में उसका संशोधन किया है। तो उसके लिए हमें लगातार परिवहन विभाग का और सरकार का और प्रशासन का सहयोग करेंगे। नए एमवे के प्रावधानों के अनुसार चेकिंग की जा रही है, लोगों को नए एमवे के बारे में बताया भी जा रहा है, समझाया जा रहा है, और गलत पाए जाने पर चाहे कोई भी हो उसका चलान भी करेगा। जी हाँ, चलान होगा। अगर कोई गलत किया करेगा उसका चलान होगा। अभी कॉन्स्टेबल आया था, वो उसके पीछे जो सवारी थी उसने हेलमेट नहीं पहना होता, उसका भी चलान किया जा रहा है।